गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आज बड़ी ई की मात्रा। तो आज मैं आपको तीन चीज़ें सिखाऊंगी। सबसे पहले बड़ी ई की मात्रा लिखना, दूसरे बड़े ई की मात्रा किसी भी अक्षर के साथ लगाना, और तीसरा है बड़े ई की मात्रा वाले शब्द रचना करना। ठीक है, तो चले आज हम सीखते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये क्या है, ई की, ये कौन सी ई है? बड़े ई, बड़े ई की मात्रा। और यहाँ आप देख रहे हैं ना, बड़े ई। ठीक है, तो आपने छाता देखा है? छाता, ये छाता का हैंडल कैसे होता है? ये होता है छाता का हैंडल। ये छाता का हैंडल, अगर हम इस छाता को उल्टा कर दें तो ये इस तरह बन जाएगा, है ना? तो ठीक इसी तरह से हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, देख रहे हैं ये, तो ये है बड़ी ई की मात्रा। और इसे लिखने का तरीका है, पहले ये लकीर खींचेंगे, फिर ये यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ लेकर आएंगे और इसे इस तरह एक लकीर खींचेंगे और ये बन गया बड़ी ई की मात्रा। यहाँ देखते हैं अक्षर का, अक्षर का में हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पहले हम अक्षर का लिखेंगे, उसके बाद हम बड़े ई की मात्रा लगाएंगे, फिर ये हो गया बड़े ई की मात्रा। तो का पे बड़े ई की मात्रा क्या पढ़ेंगे? की। क्या पढ़ेंगे? की। फिर लिखेंगे चा, चा पे बड़े ई की मात्रा, चा पढ़ेंगे नहीं, क्या पढ़ेंगे? ची। ये क्या है? टा, टा पे बड़े ई की मात्रा, तो इसका उच्चारण क्या होगा? टा नहीं, क्या होगा? टी। ता पे बड़े ई की मात्रा ती, बहुत अच्छे। पा पे बड़े ई की मात्रा पी। तो फिर से हम पढ़ेंगे, का पे बड़े ई की मात्रा की, चा पे बड़े ई की मात्रा ची, टा पे बड़े ई की मात्रा टी, ता पे बड़े ई की मात्रा ती, पा पे बड़े ई की मात्रा पी। अब आगे हम सीखेंगे शब्द रचना करना। ठीक है, अब हम की से शब्द रचना करेंगे। की ला खीर, खी रा खीर। मम्मी खीर बनाती है ना, पसंद है? वेरी गुड, मुझे भी पसंद है खी रा खीर। अब देखेंगे यहाँ पर की पहले अक्षर था जिसपे ई की मात्रा लगाए थे, अब हम ऐसे शब्द रचना करेंगे जिसमें बड़ी ई की मात्रा दूसरे अक्षर में लगाते हैं। जैसे घ घड़ी, रा पे बड़ी की मात्रा री, घड़ी, तो इसका उच्चारण दूसरा होगा घड़ी। यहाँ पे ना, इस पे कोई मात्रा नहीं है, इसके दूसरे वाले अक्षर पे मात्रा लगाए हैं, रा पे बड़ी की मात्रा दी, नदी। अब यहाँ देखेंगे कि हम बड़ी ई की मात्रा के साथ और भी दूसरी मात्रा का प्रयोग करते हैं, जैसे पी, ला पे आके मात्रा ला, पीला। यहाँ पर आ की मात्रा भी लगाया गया है ना, पीला, नीला। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो अक्षर वाले शब्द हैं, हमने दो अक्षर वाले शब्द बनाए हैं जिसमें एक की मात्रा लगाए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीन अक्षर वाले शब्द में, इसमें हम बड़े की मात्रा लगाकर तीन अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे खा पे बड़े की मात्रा क्या होगा? खा नहीं, खी। छा पे बड़े की मात्रा छी, गा पे बड़े की मात्रा गी, था पे बड़े की मात्रा थी। अब हम शब्द रचना करने करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है? मा, छा, गा पे बड़े की ली, मछली। मा, का, गा पे बड़े की मात्रा मकड़ी। ला, रा, का पे बड़े की मात्रा लड़की।
यहाँ पर देखिए, अब जो तीन अक्षर वाले शब्द बनाने जा रहे हैं इसमें आ की मात्रा का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। जैसे ला पे आ की मात्रा ला, ल चापे बड़ी की मात्रा ची, लाल ची। यहाँ पे लाल आपको लाल लिखना आता है, चापे बड़ी की मात्रा ची, लाल ची। एक नया शब्द बन गया। प पापे बड़ी की मात्रा पी, सापे आ की मात्रा ता, पपी ता, ठीक है। दापे बड़ी की मात्रा दी, प कर दीपक। इस तरह से आपने देखा कि हम बड़ी की मात्रा लगाकर तीन अक्षर वाले शब्द भी बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं चार अक्षर वाले शब्द। डा पे बड़ी की मात्रा दी, दी। डा पे बड़ी की मात्रा री, ला पे बड़ी की मात्रा नी, वा पे बड़ी की मात्रा री। तो यहाँ पर कितने अक्षर है? एक दो तीन चार, यहाँ चार अक्षर है। ना मा ता पे बड़ी की मात्रा की, ना नम की, ना पे आ की मात्रा ना, श पा पे आ की मात्रा पा, ता पे बड़ी की मात्रा ती, नाश पाती। क्या है? नाश पाती, नाश पाती। आगे है त र, ता पे आ की मात्रा का, रा पे बड़ी की मात्रा री, तर का री, तरकारी। आपके घर में तरकारी बनती है, सब्जी? ठीक है, सबके घर पे बनती है ना। आगे है डा पे बड़ी की मात्रा दी, पा पे आ की मात्रा पा, व ला पे बड़ी की मात्रा ली। यहाँ पर देखेंगे आप पहले अक्षर में भी बड़ी की मात्रा बता है और दूसरे अक्षर पे भी बड़ी की मात्रा बता है, ठीक है। इसका उच्चारण होगा दीपावली। क्या होगा? दीपावली। आगे हम देखेंगे त र, ये दो बार होंगे, कोई बात नहीं। आगे च त क, नापे बड़ी की मात्रा नी, चटकनी। चटकनी क्या होता है? खिड़की दरवाजे में जो लगाते हैं उसे हम बोलते हैं चटकनी। जब हम खिड़की दरवाजा बंद करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? चटकनी लगाते हैं, ठीक है। तो हम अब शुरू से पढ़ेंगे दो अक्षर वाले शब्द। तीन थी भरी नदी, पीला नीला। तीन अक्षर वाले शब्द। मछली मकड़ी, लड़की लालची, पपीता दीपक। चार अक्षर वाले शब्द। नमकीन नाशपाती, तरकारी दीपावली, तरकारी चटकनी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे, ठीक है। सबको अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की बात मानना है। थैंक यू।